Inside gear. असल मायने में 2023 की सबसे भौकाली जो गाड़ी है वो लैंड क्रूजर 300 है। और भाई ये कार को बहुत से लिफ्ट किया गया है यार। भाई ये है टाटा की पंच ICNG और टाटा ने जो है इस गाड़ी के साथ जो है वो खेल कर दिया और खेल ये है। अनदर अमेजिंग वीडियो गाइस, मैं हूं निशित और आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे 2023 ऑटो एक्सपो की कुछ गाड़ियां कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लैंड क्रूजर 300 की, जो मोस्ट अवेटेड कार है टोयोटा की तरफ से इस साल की। और इसके साथ बात करें मारुति जिम्नी जो है वो मारुति की सबसे मोस्ट अवेटेड कार थी, जो थार को कम्पीट करेगी 5 डोर वाली को इंडिया में, वो भी लॉन्च हो गई है। तो हॉल नंबर 9 में अभी चलेंगे और अगले 10-12 मिनट इस वीडियो में कई सारी गाड़ियों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी वीडियोस जाके जो है वो आप देख सकते हैं। साथ में बेल आइकन का बटन जो है आप वो भी दबा सकते हैं। और अभी आपको बताऊं, मैं ऑटो एक्सपो में आया हूं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं रविंद्र और हम पिछले ऑफिस में जो है वो साथ साथ काम करते थे। और रविंद्र जो है अभी यहाँ पे हमें घुमाने वाले हैं। तो कौन कौन से हॉल में लेके चलेंगे सबसे पहले बताओ। देखिए हॉल नंबर 9 है, इसमें सबसे पहले जो है मारुति टोयोटा इसमें है। इसमें उसके बाद बाइक जो सुपर बाइक्स हैं वो इस तरफ है, वो इस वाले हॉल में। और इसमें जो है आपका उसका है किया का है और टाटा किया का और उसका है एमजी का। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये ऑटो एक्सपो है ये बेसिकली बेस्ड है हाइड्रोजन कार, एथेनॉल कार और ग्रीन फ्यूल पे। फ्यूचर जो है वो ईवी कार और हाइड्रोजन कार का ही है। तो असल में 2023 की सबसे भौकाली जो गाड़ी है वो लैंड क्रूजर 300 है। और इस गाड़ी की विथ की अगर बात करें तो ये खड़ी है इधर की तरफ लेजेंडर और ये है लैंड क्रूजर। ये गाड़ी लेजेंडर से भी जो है चौड़ी है, 2 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है। और अभी कैमरा अगर जस्टिस कर पा रहा होगा तो आपको लग रहा होगा इस गाड़ी कितनी मैसिव है। ग्रिल देखिए सामने से, टोयोटा का बैज है। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा होगा। LED DRS जो है वो आपको यहाँ पे अभी दिख रहे होंगे। और साथ ही अलॉय व्हील्स जो हैं इस तरफ वो जो हैं वहाँ पे 20 इंच के जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही साथ ये अलॉय का जो डिज़ाइन है टोयोटा की तरफ से ये इंट्रोड्यूस कराया गया है। सीटर है या जो है। पीछे से एक बार इंटीरियर दिखा दूँ, स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, बेज इंटीरियर है। और फ्रंट जो रॉ है इसकी फ्रंट रॉ भी आप साइड आर्चेस एकदम स्क्वायरी शेप के हैं और छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लैंड क्रूजर का एक पैच जो है यहाँ लाइट के पास दिया गया है। 3300 CC का V6 इंजन यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि सिर्फ डीजल ऑप्शन के साथ आता है। और वो और लगभग 300 PS का पावर जो है वो जनरेट करता है। ये कार जो है 10-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जो है वो इंडिया में आई है। इंटीरियर दिखाने की आप इसकी जो लेंथ की बात करें, 5 मीटर इसकी लेंथ है। तो अभी आप ये देखिए आप स्क्रीन पे कितनी लंबी लग रही है और अभी मेरे कैमरा में पूरी नहीं आ रही जब मैं इसको एकदम पीछे से जो है वो शूट कर रहा हूँ। तो कैमरा फ्यूल टैंक इसका जो है वो 110 लीटर का है। और रियर जो लुक्स हैं इस गाड़ी के उसके भी क्या कहने, 4 चांद जो है इसके रियर लुक्स में जो है ये लाइटें लगा रही हैं, LED लाइटें हैं। लैंड क्रूजर का बैज है और सच में भाई कैमरा जो है ना वो जस्टिस नहीं कर पाएगा इस गाड़ी का शेप क्या है। तो इस गाड़ी की ऑरे की एक बार अगर बारे में बात कर ले तो LC 200 और LC 100 है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के पास है। और साथ ही बात करें सलमान खान के पास भी एक बुलेट प्रूफ LC 200 जो इनको सिक्योरिटी थ्रेट मिलने के बाद प्रोवाइड की गई है। तो भाई ये जो गाड़ी है वो कई सारे पॉलिटिशियंस, एक्टर और जो नोन सेलिब्रिटीज़ इंडिया में वो उनके पास भी बहुत जल्द जो है वो देखने को मिल जाएगी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि लगभग इस कार को डिलीवर करने के लिए शायद 1 साल से ऊपर का समय जो है वो लगने वाला है। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो रखा गया है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। तो ये थी कुछ कहानी लैंड क्रूजर 300 की, जो कि इस साल की सबसे भौकाली गाड़ी होने वाली है अगर इस साल जो है वो रोड पे आ जाती है। फ्रंट में है आपको जो है राउंड जो है हेडलाइट और DRL जो है वो
सामने से देख पा रहे होंगे। कमाल की चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो है हेडलाइट वॉशर जो है वो देखने को मिल, हेडलाइट वॉशर जो है वो देखने को फ्रंट की तरफ जो है वो मिल जाएगा। ग्रिल जो, ग्रिल में जो है वो क्रोम का जो यूज़ है वो बहुत ही सही तरीके से किया गया है। फ्रंट जो है वो इस गाड़ी का बहुत ही इम्प्रेसिव टाइप लग रहा है। अब भाई ये है मारुति सुजुकी सबसे मोस्ट अवेटेड कार इस साल की जिंदगी 2023, और सरप्राइजिंगली मुझको सरप्राइज है इस गाड़ी को नेकेड आई से देख के, क्योंकि जो कार की हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो हाइट है कार की वो आपको फोटोज़ में तो काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन रियलिटी में जो है वो कार की हाइट इतनी नहीं है। व्हील यहाँ पे आप अभी देख पा रहे होंगे, आई थिंक 18 इंचेस के व्हील हैं। टायर की जो मोटाई है वो ज़्यादा, क्योंकि उससे ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। और रियर रिव्यू की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। हाइट ज़रूर आपको गाड़ी की सरप्राइज करने वाली है, और मैं आपको बताऊँगी ये लैडर फ्रेम चेसिस पर जो है वो डिज़ाइन की गई है। किस तरफ से अभी आप लुक जो है वो देख पा रहे होंगे, जो रूफ है इसकी वो ब्लैक कलर में जो है वो रखी गई है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो ऑफर किया जाने वाला है। सोशल मीडिया पर मैं काफ़ी सारे कमेंट पढ़ रहा था कि ये छोटी जी वैगन लग रही है, छोटी रैंगलर लग रही है। भाई इस कार का कुछ, इस कार का जो लुक है वो कुछ कुछ अलग तरह का है। 5 सीटर ये कार है, 5 डोर जिमनी, कयास लगाए जा रहे थे कि 3 डोर जिमनी भी जो है वो इस साल इसी के साथ लॉन्च होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो 5 डोर जिमनी जो है लॉन्च हुई है। अंदर से टोयोटा हाइलक्स एक्सट्रीम ऑफ रोड कंसेप्ट जो कार है ये टोयोटा की तरफ से शो केस की गई है ऑटो एक्सपो 2023 में। और भाई ये कार को बहुत से लिफ्ट किया गया है यार, ये अगर आप इधर देख पा रहे होंगे शोकर में तो ये लिफ्ट किट जो है वो शायद आई थी इंस्टॉल की गई है। इस साइड से अगर आप देखेंगे तो कैमरा शायद जस्टिस ना कर पाए इस कार की हाइट को। भाई यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की इस कार की हाइट की, और कम से कम आई थिंक ये गाड़ी जो है 11 से 12 फिट की भी आई थिंक ये हो सकती है, क्योंकि जो व्हील हैं इसके वो भी कैमरा में जस्टिस नहीं कर पा रहे, लेकिन जो टायर हैं इसके ना बाकी जगह टायर जो हैं उसके टायर बहुत ज़्यादा रगेड हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइज़ के हैं, जो कि इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की जो ताकत है उसको और बढ़ा देंगे। अब टायर और जो मड फ्ला टायर और जो फेंडर है उसमें अभी आप गैप देख सकते हैं कि कितना गैप है, तो आप लगाइए कि कम से कम मुझे लग रहा है ये 8 से 10 इंच जो है वो लिफ्ट की गई है। एक बार आपको नीचे से भी बैठा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अब आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा होगा इसकी लिफ्ट के हिसाब से कितनी सही लिफ्ट की गई है। ये है हाल ही में लॉन्च हुई इंडियन मार्केट में MG 2023 फेस लिफ्ट, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रंट ग्रिल जो है बड़ी कमाल की लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पोथा भर के जो है वो क्रोम जो है वो MG ने यूज किया है इसमें। साथ ही बात करें अलॉय व्हील के डिज़ाइन की तो वो पहले की तरह ही रखे गए हैं, और यहाँ पे आपको अभी इंडिकेटर और लाइट जो हैं वो भी पहले की तरह ही सेम दिखने वाली हैं। साइड लुक की बात करें तो आपको क्लैडिंग दी गई है गेट्स पर, ब्लैक और क्रोम कलर का जो यूज़ है वो किया गया है। इंटीरियर जो है वो इस गाड़ी का बड़ा ही कमाल का रखा गया है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे लाइट बेज कलर का इंटीरियर जो है वो दिया गया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस कार के रियर की व्यू की, अगर रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कनेक्टेड लाइट जो है वो देखने को मिल जाएंगी। हेक्टर का जो लोगो है वो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा अलग जो है वो दिखने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे तो अडास की बैजिंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया में पहली बार, और लुक्स की अगर बात करें तो भाई बहुत सही लग रहा है और बहुत बड़ा भी है, अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा हो गया है। इससे पहले भी MG में था सबसे बड़ा, लेकिन भाई बहुत सही लग रहा है। ये है टाटा की पंच ICNG, और टाटा ने जो है इस गाड़ी के साथ जो है वो खेल कर दिया, और खेल ये है कि टाटा ने भाई क्या किया है, टाटा ने इसमें दे दिए हैं ट्विन CNG सिलेंडर। तो ये जो गाड़ी है अब जो है वो 2 सिलेंडर के साथ जो है
एक्सपो जो है इंट्रोड्यूस कराई है, ऑटो एक्सपो 2023 में। कई कस्टमर्स को जो शिकायत थी कि बूट स्पेस जो है वो सीएनजी वाली कार में नहीं मिल पाता है, तो उस शिकायत को देखते हुए टाटा ने जो है वो इसके अंदर जो है वो दो सिलेंडर दे दिए। आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको अभी जो है दो सिलेंडर जो है वो सीएनजी के दिखने वाले। आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको जो है एक सीन कुछ इस तरह का कि इसमें दे दिया है अब सनरूफ भी। प्राइस इसकी जो है वो ऑफिशियली जो है वन भी नहीं हुए, सिर्फ ये कार जो है अभी ऑटो एक्सपो में इंट्रोड्यूस कराई है। सनरूफ दे दिया है, दो सिलेंडर दे दिए हैं। साइज देख के मुझे लग रहा है सिलेंडर का कि 10 या 8 किलो के सिलेंडर है, 12 किलो का सिलेंडर ये मुझे साइज देखने में नहीं लग रहा है। अल्ट्रोस ICNG को भी जो है वो ऑटो एक्सपो 2023 में अनवील किया है और यहाँ पे भी आपको जो है वो सनरूफ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक नॉर्मल साइज का सनरूफ जो है वो टाटा ने जो है इसमें इंस्टॉल कराया है। और टाटा की तरफ से ये जो कहानी है कुछ इस तरह की, इंडिया फर्स्ट टू सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी जो कार है ये है अल्ट्रोस का सीन कुछ इस तरह का। और रूफ जो है वो ब्लैक कर दिया ड्यूल टोन में जो है आप अभी टाटा अल्ट्रोस को जो है देख पा रहे हैं। कलर की बात करें तो कलर भी बड़ा जो है वो शानदार लग रहा है। सो भाई सारी कारें जो हैं वो आपको दिखा दी। मेरे को जो सबसे अच्छी कार लगी इस ऑटो एक्सपो 2023 की वो थी LC 300। आप भी कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि आपको सबसे बढ़िया कार जो है सबसे दमदार कार जो है वो कौन सी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन साइड को बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Inside Gear.